हेलो एवरीवन, दूरबीन ऐपे सबाई के जानाई स्वागतम। आज के आम्रा चेक, विनिमय बिल और अंगीकार पत्र सम्पर्के जानबो। इतिमध्ये आम्रा जेने फेलेछि जे विनिमय बिलटा आसले कि, अंगीकार पत्र कि, किन्तु आजकेर ए भिडियोटिते आम्रा जानबो चेक बा चेकेर सम्पूर्ण तथ्य सम्पर्के आम्रा ए भिडियोटिते जानबो। प्रथमेई चले आसि चेक कि। चेक होच्छे एमन एक प्रकार हस्तान्तरयोग्य दलिल जा बैंक निर्दिष्ट एकटि कागजे छापिए दे, अर्थात बैंक कर्तृक निर्दिष्ट छापानो कागजे जखन काउके अर्थ प्रदान करा हय अथवा उक्त कागज द्वारा बैंक थेके अर्थ उत्तोलन करा हय ताके आमरा चेक बोली। आमरा जानी जे कारो जदि बैंक अकाउंट थाके ताके अवश्यई बैंक अकाउंट थेके टाका तुलते होले हय डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं अथवा चेक यूज करते हैं। चेकर क्षेत्र से जेको सदा कागजे अर्थर अंक लिखे जमा दी बैंक ताके टाका दिबे ना, ताके अवश्य उक्त बैंक कर्तृक छापानो जे कागज थाके अर्थात जे चेक बई थाके चेक बईते निर्दिष्ट अमाउंट लिखे उक्त चेक बई सेई कागजटी बैंके जमा दिए ताके अवश्य टाकाटी तुलते हबे। एखन चेकर क्षेत्र चेकर किछु पक्ष रयेछे, आमरा आजके चेकर पक्ष समूह सम्पर्के जानबो। जदि प्रथमेई आसि चेकर एकटी पक्ष होच्छे आदेशटा। आदेशटा द्वारा आमरा बुझाई जे जे आदेश प्रदान करे, अर्थात तोमार जदि एकटी ब्यांके अकाउंट थाके एबं तुमि जदि ओई ब्यांक थेके टाका उत्तोलनेर जन्य चेक लिखो, अर्थात तुमि होच्छो आदेशटा, अर्थात तुमि आदेश दिच्छो तोमाके टाका देवार जन्य, अर्थात तुमि जखन टाका तुलते जाबे तखन सेई क्षेत्रे तुमि होच्छो आदेशटा, तुमि ब्यांके निर्देश बा आदेश करछो तोमाके टाका देवार जन्य। एरपर चले आसि आदिष्ट। आदिष्टर क्षेत्र आदिष्ट बोलते साधारणत बुझाए जे जाके आदेश देवा हय, जेहेतु आदेशटा होच्छो तुमि, तुमि जेहेतु आदेश दिच्छो सुतरां आदिष्ट होच्छे बैंक, तुमि बैंकके आदेश दिच्छो तोमाके टाका देवार जन्य, अर्थात एई क्षेत्रे आदेशटा होच्छो तुमि कारण तुमि आदेश प्रदान करछो एबं आदिष्ट होच्छे बैंक कारण बैंकके टाका देवार जन्य तुमि आदेश बा निर्देश प्रदान करछो। एरपर चले आसि तीन नम्बर बा जाके आमरा बोली प्रापक। आज के धरो तुम्हार अर्थ उत्तोलन करा प्रयोजन किन्तु तुम्हें आज के बैंके जावर मत अवस्था नहीं, तुम्हें असुस्थ अथवा तुम्हें कोनो काजे व्यस्त, से क्षेत्र में तुम्हें करला कि तुम्हार एक बंधु के तुम्हें बोला जे तुम्हार हुए जान से टाकाटी उत्तोलन करे। एक क्षेत्र में तुम्हें चेक लिखे तुम्हार बंधु के दिए ना अथवा तुम्हार बंधुर नामे तुम्हें चेकटा लिखे ना जो तुम्हार बंधु के टाकाटा देवा हबे। एक क्षेत्र में तुम्हार बंधु हच्छे प्रापक जे चेकेर टाका चेकटा प्रदान करे टाका ग्रहण करे अर्थात से टाकाटी पाय अथवा प्रापक आमरा एई क्षेत्रे बोलते पारी, अर्थात से चेकेर टाकाटी जमा माने चेकटी बैंके जमा देवार पर टाकाटी से पाबे तोमार प्रतिनिधि हिसेबे अथवा किछु किछु क्षेत्रे तुमिओ प्रापक होते पारो कारण तुमि टाका निच्छो अथवा जे टाका ग्रहण करछे ताके आमरा प्रापक बोली। एरपर चले आसि बाहके। बाहक माने आमरा जानि जे जे बहन करे, एई क्षेत्रे तोमार बंधुटी बाहक होते पारे, तुमि आज ब्यांके जेते पारछो ना तोमार बंधुके दिये तुमि चेकटी ब्यांके पाठाले से चेकटी बहन करे ब्यांके निये गेलो अर्थात से चेकटी बहन करेछे सुतरां से बाहक। एखन चेक सम्पर्के आमरा जानलाम किन्तु चेकेर क्षेत्र चेकेर प्रकारभेद सम्पर्के आमरा परबर्ती भिडियोते जानबो। आजके आमरा आरेकटी जे बिषये जानबो सेटी होच्छे एकटी चेक प्रत्याख्यात केन हय, अर्थात चेक प्रत्याख्यात बा अमर्यादाकृत बोले थाकि आमरा, अमर्यादाकृत हवार कारण। एकटी चेक केन अमर्यादाकृत हय अर्थात बैंक केन एकटी चेक प्रत्याख्यात करे अथवा তা উক্ত চেক পেয়ে টাকা দেয় না কেন, কারণ হচ্ছে ব্যাংকের কিছু নিয়ম নীতি রয়েছে, সে সকল নিয়ম নীতি যদি নিয়ম নীতি বহির্ভূত যদি কোনো চেক ব্যাংকে যায় ব্যাংক সেক্ষেত্রে টাকা প্রদান করে না। সাপোজ একটি কারণ আমরা ধরতে পারি যে যদি পর্যাপ্ত টাকা অর্থাৎ পর্যাপ্ত টাকা যদি তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না থাকে, তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি এক লাখ টাকা থাকে এবং তুমি যদি দুই লাখ টাকা উত্তোলনের চেক দাও তাহলে ব্যাংক অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যাত করবে। এরপর তারিখ, তুমি যদি আজকের তারিখে টাকা তুলতে যে তুমি ভুলে অন্য কোনো তারিখ দিয়ে ফেলো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাংক তোমার চেক প্রত্যাখ্যাত করবে।
এছাড়াও যদি স্বাক্ষরে ভুল থাকে, অর্থাৎ যে ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট তার স্বাক্ষরের সাথে যদি তার সিগনেচার স্পেসিম্যান কার্ডের স্বাক্ষর ম্যাচ না হয় অথবা স্বাক্ষরে ভুল থাকে, সেক্ষেত্রেও ব্যাংক স্বাক্ষরে মিল না পেলে সে চেক প্রত্যাখ্যাত করতে পারে। এছাড়াও আরও কিছু কারণে ব্যাংক চেক প্রত্যাখ্যাত করে থাকে, কিন্তু প্রধান কারণ হচ্ছে এই কয়টি, যে কারণে ব্যাংক চেক অমর্যাদাকৃত বা প্রত্যাখ্যাত করে থাকে। আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।